Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. So we were studying about principles of management. और principles of management में हमने शुरुआत करी थी F.W. Taylor की techniques of scientific management की, जिसमें हम first functional foremanship discuss already कर चुके हैं. And now we will discuss the second technique, that is standardization and simplification of work. सब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है, एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो सेलो कंपनी पेन बनाती है सब. अब सेलो कंपनी डाइवर्सिटी लाने के लिए बहुत वैरायटी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है. अब मान लीजिए उनके तीन कैटेगरी ऑफ पेन है, एक नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन है, ढक्कन वाला जो होता है साहब, एक क्लिक वाला बॉल पॉइंट पेन है साहब, और एक उनका जेल पेन है. मान लीजिए कि वो तीन कैटेगरी के पेन बनाते हैं. अब सेलो के नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन कम से कम मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो 25 कैटेगरी ऑफ पेन है. सिमिलरली क्लिक बॉल पॉइंट पेन कम से कम 15 और जेल पेन भी होंगे तकरीबन 20. तो आप समझो साहब कितनी वैरायटी ऑफ पेन हो गए मेरे पास, 60, ठीक है साहब. अब 60 पेन अलग अलग तरीके के मैं बनाता हूं. जब आदमी एक पेन को खरीदता है उसके बाद वो उसी पेन की रिफिल भी खरीदेगा. तो स्टैंडर्डाइजेशन बोलता है कि साहब इन 25 टाइप ऑफ पेन में रिफिल एक ही यूज होना चाहिए, एक जैसा रिफिल बनाओ सारे पेन का. यहां पर क्लिक में भी एक जैसा रिफिल, यहां पे जेल में भी साहब एक जैसा रिफिल सबका. इसके फायदे साहब, इसका सबसे बड़ा फायदा प्रोडक्शन लाइन. मेरी रिफिल की प्रोडक्शन लाइन सिर्फ 3 प्रोडक्शन लाइन की जरूरत है मेरे को. अगर वही हर पेन की रिफिल अलग, पहली चीज हर पेन की रिफिल अलग बनाने का कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान क्या है साहब, 60 अलग तरीके के रिफिल बनेंगे, 60 अलग तरीके की प्रोडक्शन लाइन चाहिए, 60 प्रोडक्ट्स का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, 60 अलग अलग प्रोडक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है साहब. तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलता है, स्टैंडर्डाइजेशन बोलता है कि जबरदस्ती की डाइवर्सिटी मत लाओ. प्रोडक्ट डाइवर्सिटी जरूरी है क्योंकि कस्टमर को अलग वैरायटी का प्रोडक्ट चाहिए. तो मैंने 25 तरीके के बॉल पॉइंट पेन बना दिए, क्लिक बॉल पॉइंट पेन मैंने बना दिए साहब 15 तरीके के, जेल पेन बना दिए 15 तरीके के. ये 60 अलग इसलिए बनाए क्योंकि कस्टमर को वैरायटी चाहिए. आई अग्री टू दैट, 60 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओ, लेकिन साहब उसके अंदर यूज होने वाली रिफिल को कॉमन रखो. उससे फायदा मेरे को प्रोडक्शन लाइन कम से कम चाहिए, मुझे स्टॉक कम से कम रखना है, मेरा पैसा ब्लॉक कम से कम होगा. दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इज ऑल अबाउट. चले साहब आगे लिखते हैं इसके बारे में. स्टैंडर्डाइजेशन refers to the process of setting standards for every phase of business operation. अब ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं? बेंचमार्क्स. दीज स्टैंडर्ड्स वर्क
as benchmarks during production. और स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ इसमें नहीं, हर चीज में होनी चाहिए, यानी कि एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कंडीशंस में मैन्युफैक्चर भी होना चाहिए, यानी कि सिमिलरली वर्किंग कंडीशंस शुड आल्सो बी स्टैंडर्ड. यानी कि लाइटिंग कितनी चाहिए, एयर कंडीशनर की जरूरत कितनी है, टेम्परेचर कितना मेंटेन होना है, ये सारी की सारी चीजें स्टैंडर्ड होनी चाहिए हर प्रोडक्ट लाइन के लिए. इससे फायदा, सब फायदा ये है कि मेरे को हर प्रोडक्ट के लिए अलग एसी की यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये दिक्कत होती है अगर मैं प्लांट्स के बिजनेस में हूं, सब हर स्पेसिफिक प्लांट को एक अलग टेम्परेचर चाहिए, मेरे को वो एक रिस्पेक्टिव टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है. तो हर प्लांट के लिए एक अलग डेजिग्नेटेड एरिया और उस डेजिग्नेटेड एरिया का एक अलग रिस्पेक्टिव टेम्परेचर, ठीक है. तो ऐसी ये दिक्कत स्टैंडर्डाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट्स बिजनेस इज बेसिकली नॉट अचीवेबल, ठीक है. चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के. Objectives of standardization are as follows: to reduce the given line of product. Sir, iska humne example samjha abhi. Yani ki fixed type sizes fix kar do, variety characteristics fix kar do. Similarly, aap samjho, sab maan lijiye. ह्यूंडई कंपनी 10 अलग अलग तरीके के मॉडल्स ऑफ कार बनाती है, तो साहब उसके अंदर क्लच प्लेट सेम यूज होनी चाहिए. आप प्रोडक्ट अलग क्यों बना रहे हो, क्योंकि कस्टमर को अलग प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को वैरायटी चाहिए, ये बात मान गए हम. तो आउटर बदल दो, इनर पोर्शन एक्सेप्ट इंजन, क्योंकि एक बड़ी गाड़ी का इंजन बड़ा होता है, ठीक है. उसके अलावा जितने स्पेयर पार्ट्स आप यूज कर रहे हो जिनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड है, आप वो सेम यूज करो, आपको उनको डाइवर्स या उनको अलग बनाने की जरूरत नहीं है. इसलिए कंपनी चाहे तो एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो एसयूवीज बना रही है जो कि 25 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं सारी, तो साहब एक कैटेगरी ऑफ कार्स के अंदर टाइप और डिजाइन ऑफ सीट सेम इस्तेमाल करो, ठीक है. चलते हैं साहब, और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है. टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. सर वही रिफिल वाली बात, एक पेन का रिफिल दूसरे पेन में यूज हो सकता है अगर वो टाइप ऑफ पेन सेम है तो. टू एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्किंग की तो हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड क्वालिटी सेट कर देना. टू एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर मेन एंड मशीन.
ठीक है जी। सब इसके बाद जो अगली चार टेक्निक्स हैं उनको हम वर्क स्टडी बोलते हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी। अब ये चार मेथड जो हैं ये टेलर ने स्टडी किए टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ठीक है साहब, लिखते हैं इसके बारे में। वर्क स्टडी, ठीक है जी। वर्क स्टडी इज फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। सब वर्क स्टडी का मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी वर्क, किसी भी काम को, किसी भी लेबर के ऑपरेशंस को साइंटिफिकली स्टडी करना विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज दैट वर्कर्स एफिशिएंसी इज नोन एज वर्क स्टडी। ठीक है, और उस वर्क स्टडी के अंदर हम चार तरीके की स्टडीज पढ़ते हैं और वही हमारी अगली चार टेक्निक्स हैं। ठीक है जी, पहला इट्स मेथड स्टडी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज योर मोशन स्टडी, नेक्स्ट इज टाइम स्टडी, एंड द लास्ट इज फटीग स्टडी। ठीक है साहब, ये चार स्टडीज मिलकर आपकी वर्क स्टडी बनाती हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मेथड स्टडी। साहब मेथड स्टडी का मतलब वन बेस्ट पॉसिबल वे टू डू अ टास्क, एक मेथड डिवाइस करना जो बेस्ट मेथड है, एफिशिएंट मेथड है और इफेक्टिव मेथड है, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज में होता है, कम से कम टाइम में होता है और बेस्ट क्वालिटी के साथ होता है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस ढूंढना लिखेंगे जी। मेथड स्टडी is concerned with finding one best way of doing a job, one best way of doing a job. The objective of method study is to minimize the cost of production and maximize quality and satisfaction of customers. It requires critical study of. Sir, क्या करना पड़ता है आपको? कुछ प्रोसेसेस स्टडी करने पड़ते हैं, जैसे कि प्लांट लेआउट, प्रोडक्ट डिजाइन, मटेरियल हैंडलिंग, वर्क प्रोसेसेस एटसेट्रा।
ठीक है जी. नेक्स्ट इज योर मोशन स्टडी. फोर्थ हेडिंग लिखेंगे मोशन स्टडी. साहब मोशन स्टडी का मतलब एक एम्प्लॉय की पूरी मूवमेंट्स को स्टडी करना और उसमें से रिडंडेंट मूवमेंट्स को ढूंढना कि ऐसी मूवमेंट जो बेकार हैं उनको हटा दो. तो साहब वक्त बचेगा, एनर्जी बचेगी. अब इस स्टडी को करोगे कैसे? तो साहब FW टेलर ने क्या किया, फैक्ट्रीज के अंदर कैमरास इंस्टॉल करा दिए, वीडियो कैमरास, और फिर काम करते हुए देखा एम्प्लॉयज को और फिर उनकी हर मूवमेंट्स को स्टडी किया और उन मूवमेंट्स को तीन कैटेगरी में बांटा कि ये वाली मूवमेंट प्रोडक्टिव है, ये वाली मूवमेंट इंसिडेंटल है यानी कि जरूरी है प्रोडक्शन के लिए लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्टिव नहीं है, और तीसरी मूवमेंट हो गई साहब जो कि अनप्रोडक्टिव है. इस पर्टिकुलर तीसरी कैटेगरी ऑफ मूवमेंट को हटाया जा सकता है और इंप्लॉई की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में मोशन स्टडी. refers to making thorough analysis of various motions ya movements being performed by a worker while he is doing a particular task. ठीक है जी. इट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ मूवमेंट्स अंडरटेकन while doing a job. On close examination of movements, three categories of movements were designed. Pehli to sab productive, दूसरी इंसिडेंटल, तीसरी अनप्रोडक्टिव, यानी कि रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन और कैन नॉट बी अवॉइडेड. सब प्रोडक्टिव मूवमेंट्स वो हैं जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं. इसका मतलब इनको तो आप कम नहीं कर सकते, ये तो नेसेसरी हैं. दीज आर इंसिडेंटल. सब ये प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंसिडेंटल हैं टू प्रोडक्शन.
incidental to production, therefore cannot be avoided. कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये अवॉइड हो भी सकती हैं, बट ये इंसिडेंटल हैं. दीज आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन, दीज मूवमेंट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन, बट यस दे आर इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन. ये तो नॉट रिक्वायर्ड. कैन बी अवॉइडेड. तो साहब मोशन स्टडी का काम ही यही है कि इस तरीके की एक्टिविटीज को ढूंढो और एलिमिनेट कर दो अपने प्रोसेस से, और एम्प्लॉइज को समझाओ कि साहब आपकी ये वाली इंप्रूवमेंट्स हैं, जो ये वाली मूवमेंट्स हैं जो आपका वक्त बर्बाद करती हैं, आपका टाइम वेस्ट करती हैं. अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? टाइम सेविंग. इट हेल्प्स to save time and increases the production. ठीक है जी. फिफ्थ है हमारी टाइम स्टडी. टाइम स्टडी. सब टाइम स्टडी में क्या किया जाता है? अगेन वही, एक रीजनेबल एवरेज इंप्लॉई का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम कैलकुलेट किया जाता है. बेंचमार्किंग यानी कि उसका एक स्टैंडर्ड टाइम बता दो कि एक प्रोडक्ट आमतौर पर 5 मिनट में बनता है, तो जिसने 5 मिनट के अंदर अंदर बना लिया वो एफिशिएंट, जिसने नहीं बनाया ज्यादा टाइम लिया वो इनएफिशिएंट, जिसने 5 में बनाया वो एवरेज. ठीक है, लिखते हैं साहब इसके बारे में. टाइम स्टडी रेफर्स टू अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन the standard time taken by a workman of reasonable skills. यानी कि साहब वो average बंदा होना चाहिए. अगर आपका efficient employee है उसको आप standard time नहीं बोल सकते हो, वो efficient है, वो standard time से कम वक्त लेगा. of reasonable skills and ability to perform a well-defined job. It helps in determining the standard time required to do a job. ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव्स, ऑफ टाइम स्टडी
साहब कितने आदमियों की जरूरत है ये डिटरमाइन कर पाते हैं हम इससे? टू फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम, यानी कि टाइम स्टडी से जब हमने एवरेज टाइम डिसाइड कर दिया तो साहब इंसेंटिव स्कीम डिसाइड हो जाएगी। जिसने उससे जल्दी काम कर लिया उसको बोनस मिलना चाहिए क्योंकि वो एफिशिएंट एम्प्लॉई है, और जिसने लेट काम किया उसको आप चाहो तो पेनल्टी दे दो, पेनल्टी लगा दो कि आपने लेट काम किया, या फिर उसको एक एवरेज रेम्यूनरेशन ऑलरेडी जो बाकियों को मिल रही है वो दे दो। लेकिन अगर आप एफिशिएंट को इंक्रीज्ड रेम्यूनरेशन देते हैं तो इस केस में उसका मोटिवेशन बढ़ेगा और वो और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड द लास्ट, टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखेंगे फटीग स्टडी। सर फटीग का डिक्शनरी मीनिंग होता है थकना। जब आप लंबे समय तक काम कर रहे होते हो या पढ़ रहे होते हो तो आप थक जाते हो, एंड यू नीड अ ब्रेक, यू नीड सम रेस्ट। ठीक है, तो फटीग स्टडी का मतलब है कि ये स्टडी करना कि कितने इंटरवल पर इंप्लॉय को ब्रेक की जरूरत है या वर्कर को ब्रेक की जरूरत है। अगर वो बहुत ही मेहनत का फिजिकल काम है तो उस केस में इंटरवल्स ज्यादा चाहिए, ज्यादा ब्रेक्स की जरूरत है, सो दैट वो दोबारा री एनर्जाइज हो पाए। तो फटीग बोलता है कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आपकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, एंड यू नीड अ ब्रेक टू रीगेन दैट एफिशिएंसी। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे साहब फटीग स्टडी। Fatigue study refers to determining the amount and frequency of rest intervals required in completing a task. Fatigue means tiredness from physical or mental work, next workers must be provided a brief rest interval. Sir wo lunch ho sakta hai, lunch break ho sakta hai, in between, so as to enable them to regain the lost stamina.
दिस विल रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड efficiency and productivity. ठीक है जी, क्लियर है ये? लास्ट टेक्निक पे चले. हेडिंग लिखेंगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, पीस वेज मतलब एक यूनिट का प्राइस या एक यूनिट की लेबर कॉस्ट. एग्जाम्पल देता हूं सब में. Standard time to produce a unit of product मान लीजिए है 10 minutes. यानी कि आम तौर पर एक यूनिट कितनी देर में बनती है? 10 मिनट में. ठीक है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. अब ये बोलता है हम सेम लेबर कॉस्ट नहीं देंगे, डिफरेंट लेबर कॉस्ट देंगे. डिफरेंट मतलब वो बोलता है भाई अगर तो बंदा है एफिशिएंट तो हम देंगे 10 रुपए पर यूनिट. अगर मेरी लेबर है इनएफिशिएंट तो हम देंगे 8 रुपए पर यूनिट. समझ पा रहे हैं सर आप? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक तरीका है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. यानी कि ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय कोशिश करेगा कि मेरी यूनिट 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाए, क्योंकि वैसे मिल रहे 8. अगर वो यूनिट 10 मिनट में बना ली तो उसी यूनिट के उतनी ही मेहनत के 10 रुपए मिलेंगे. समझते हैं साहब इसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से. एक है मिस्टर ए, उनका एक वर्किंग डे है 8 घंटे का. यानी कि 10 मिनट के हिसाब से उस 8 घंटे में वो कितनी यूनिट्स बना लेंगे? स्टैंडर्ड आउटपुट लिख दूं इसको मैं. स्टैंडर्ड आउटपुट उनका होना कितना चाहिए था अगर वो एफिशिएंट हैं तो? सब 10 मिनट में एक, तो 1 घंटे में हो गई 6, 8 घंटे में हो गई साहब 48 यूनिट्स. क्लियर? अगर आप 10 मिनट में एक बनाते हो तो 60 मिनट्स By 10 minutes, 1 घंटे की का एवरेज आउटपुट 6 यूनिट, और 8 घंटे मल्टीप्लाई कर दो 48 यूनिट्स मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है. अब तो अगर मान लीजिए एक्चुअल आउटपुट
एक्चुअल आउटपुट जो मेरा आया साहब वो था 50 यूनिट्स, ये केस वन है। तो पैसे कितने दिए जाएंगे साहब? पैसे दिए जाएंगे, ये एफिशिएंट है इनएफिशिएंट है साहब? 48 या 48 से ज्यादा बना ली तो एफिशिएंट है बंदा। तो 50 × 10 रुपीज पर यूनिट मिलेंगे साहब, इनकी एक दिन की कमाई 500 रुपए। और वहीं अगर केस टू में इन्होंने बना ली 40 यूनिट तो साहब ये फॉल करेंगे इन एफिशिएंट की कैटेगरी में। अब इनको इन 40 यूनिट के पैसे कैसे मिलेंगे? 8 रुपए के हिसाब से इनकी दिन की कमाई 320 रुपए। मोटा मोटा नुकसान 2 रुपए पर यूनिट का तो हो ही गया, यानी कि ये जो 40 यूनिट है इन पे 2 रुपए का नुकसान तो वैसे ही हो गया, 80 रुपए तो दिन के गए। और जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट बनाई थी उसके 100 रुपए अलग मिले, तो ये हिसाब आपका 180 रुपए का डिफरेंस आ गया। ये 180 रुपए उस आदमी को मोटिवेट करेंगे काम जल्दी करने के लिए, ठीक है जी। एक दिन उसको 180 रुपए का नुकसान अगर हो गया, उसके बाद से ना वो सिगरेट ब्रेक लेगा ना वो चाय ब्रेक लेगा, वो कहेगा भाई मेरे को 48 यूनिट कम से कम पूरी करके जानी है आज, आज में मैं ये घाटा दोबारा नहीं उठाऊंगा, एक बार उठा लिया मैंने, हो गया मेरा काम, ठीक है। लिखते हैं सर इसके बारे में, डिफरेंशियल पीस वेज रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सक्यूज मी एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट workers are paid at different rates. ये तरीका है साहब inefficient employee को efficient बनाने का, उसको motivate करने का। According to Taylor, financial incentives act as motivators and hence motivates the worker to put in extra efforts in this technique. Incentives are directly linked with productivity technique helps to differentiate between an efficient and an inefficient worker.
an efficient and an inefficient worker. Clear, sir? Moving on to the last topic of the chapter, that is difference between principles of Henry Fayol and F.W. Taylor. कि दोनों की सोच और दोनों के प्रिंसिपल्स का यूटिलाइजेशन कितना हो पाता है और क्या डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन क्या है. ठीक है जी, हेडिंग लिखेंगे फेयोल वर्सेस टेलर. फेयोल versus Taylor. लिखेंगे साहब हेडिंग. बेसिस हेनरी फेयोल and F.W. Taylor. F.W. Taylor. सबसे पहले perspective. सब इनका perspective था for top level management. इन्होंने principles दिए manager की performance को improve करने के. managers कैसे अपनी टीम्स को और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं इसके लिए. क्लियर. और इन कंट्रास्ट एफडब्ल्यू टेलर ने दिए टेक्निक्स फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट. ही गेव टेक्निक्स फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट. अगला यूनिटी ऑफ कमांड. साहब फेयोल साहब तो फॉलो करते थे, टेलर साहब नहीं करते थे. Taylor did not follow this principle and इन्होंने तो बिल्कुल ही उल्टी बात बोली. insisted on functional foremanship. insisted on functional foremanship. Applicability. साहब इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है.
टेलर के प्रिंसिपल्स की लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशंस में इनके प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा क्यों? सब डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है कि यूनिट का रेट डिफरेंट दो। मैं मंथली सैलरी देता हूं, पीस वेज रेट सिस्टम ही नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, अप्लाई नहीं हो सकता सर। ठीक है, तो हर सिचुएशन में FW टेलर के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, सब इनके पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को डिवाइस किया। जबकि टेलर साहब ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने कैमरा लगा दिया फैक्ट्री के अंदर टू स्टडी द मोशंस, उन्होंने स्टॉपवॉच का इस्तेमाल किया फॉर द टाइम स्टडी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। फोकस, सब फेओल का फोकस था इंप्रूव द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, और टेलर का फोकस था वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाने का। लिखेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, लिख लेते हैं। Known as father of general management, he is known as father of scientific management. ठीक है जी, एम्फेसिस, सर इनका एम्फेसिस था ऑन इंप्रूविंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजर। By applying general principles of management, और टेलर का एम्फेसिस किस चीज पर था? On standardization of work to improve, again वही जो हमने ऊपर लिखा, productivity of workers.
ठीक है जी। तो साहब यहां खत्म होता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील डिस्कस द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं। प्लीज डू रिवाइज दीज लेक्चर्स सो दैट आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओ और उनको समझ पाओ। ठीक है, विल टेक दिस फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।